अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। शहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग स्पेल था आज आउटस्टैंडिंग था, और इसके साथ साथ इमामुल हक ने जो फील्डिंग में मैच के आखिरी दिन की आखिरी ओवर में जो कैच पकड़ा है उसके चर्चे जो हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और जो मेन चर्चे हैं वो इस टाइम पे पूरी की पूरी जो इंडियन मीडिया है और इंडियन जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है इस बारे में बात कर रही है। जो इमामुल हक का कैच था उसके बारे में जो इंडियन मीडिया कहता है वो आपको सुनवाते हैं, और शहीन शाह अफरीदी की जो 100 विकेटें मुकम्मल हुई हैं और अभी 102 विकेटें वो ले चुके हैं, अभी 3 विकेटें भी उन्होंने आज के दिन में हासिल की है, तो उसके बारे में जो इंडियन मीडिया में चर्चा हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर इस वीडियो में वापस आते हैं। इमामुल हक का जबरदस्त कैच भाई, मतलब क्या रिफ्लेक्स कैच था, शॉट ऑन था भाई, इमामुल हक की तारीफ है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फिर शाहीन आए, शाहीन भी यॉर्कर, आप देखो यॉर्कर हमारे बॉलर से नहीं दिखती मुझे, सॉरी टू से दिस, लेकिन इंडियन बॉलर्स को आप ऐसे यॉर्कर मारते हुए दिखते ही नहीं हो। तो क्रशिंग यॉर्कर मारी भाई उसने, जैसे तैसे समरा विक्रमा ने उस पर बल्ला अड़ा दिया था, लेकिन भाई लास्ट ओवर की तीसरी मतलब बॉल थी और उसमें जो है आगा सलमान ने इमामुल हक का जबरदस्त कैच, शाहीन शाह अफरीदी की जो क्लास है उस क्लास को आप भाई नकार नहीं सकते, उसकी क्लास आज भी अगर आप देखो ठीक है, कैचेस तो अच्छे पकड़े बाबर आजम ने। जी फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो देखी और जबरदस्त कैच था इमामुल हक का, और पाकिस्तान को ये विकेट भी बहुत जरूरी थी क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप लगी पड़ी थी श्रीलंका की, और अगर ये विकेट ना गिरती तो वो सारा का सारा दिन जो है वो श्रीलंका के नाम होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट विकेट एक उन्होंने ली और शॉर्ट फाइन लेग में जो उन्होंने ये कैच किया है मैं कहता हूँ जबरदस्त कैच था, और जिस तरह उन्होंने डाइव किया है और रिएक्शन टाइम भी बहुत ही कमाल का था, कमाल का कैच पकड़ा है उन्होंने और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। और आपने सुन ही दिया है कि जो बड़े बड़े दिग्गज चैनल हैं यूट्यूब में वो उनकी तारीफ कर रहे हैं क्रिकेट चैनल की, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो शहीन शाह अफरीदी ने आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उसकी भी तारीफें हो रही है। शहीन के साथ साथ नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो विकेट नहीं ले सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी इस पिच के हिसाब से, क्योंकि इस पिच पे आयरलैंड जैसी टीम ने 400 कुछ रन बनाए थे और फिर भी पाकिस्तान ने तो 260 रन बना दिए श्रीलंका को, और श्रीलंका एक बहुत अच्छी टीम है, तो पाकिस्तान आगे जाके जो पिच है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, और पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी कंडीशंस, तो वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दोबारा आते हैं जो आज की वीडियो जो हाईलाइट है वो कैच, अगर इसी तरह की फील्डिंग चलती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसी फील्डिंग के हवाले से जानी नहीं जाती है, पाकिस्तानी फील्डिंग आपको पता है टेस्ट मैच में हमेशा फंबल करती है, और हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है कि आज हमें ये कैच छोड़ दिया, हमें वो कैच छोड़ दिया, लेकिन आज पाकिस्तान ने तकरीबन सारी जो विकेटें ली हैं वो कैच ही लिए हैं, और ज़बरदस्त आखिरी जो कैच किए हैं इमामुल हक का वो हाईलाइट थी फील्डिंग की, और कोई भी इस पर आज मिस फील्डिंग हुई है पूरे के पूरे जो टेस्ट मैच के दिन में। ऑल दो आज का जो दिन था उसमें बातचीत भी बहुत हुई है, प्लेयर्स को रेस्ट भी बहुत मिला है, और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत रही होगी प्लेयर्स के लिए क्योंकि सिर्फ 67 ओवर्स का खेल हुआ है आज के दिन में, बाकी सारा जो है बारिश की नज़र हो गया है, और स्पिनर्स को क्रेडिट जाएगा कि स्पिनर्स ने ये इतने ज़्यादा ओवर करवा दिए क्योंकि स्टार्टिंग में भी बारिश की वजह से जो मैच इंटरप्ट हुआ था, उसके बाद लास्ट सेशन से पहले काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उसके बावजूद जो मैच हुआ और अच्छी हमें ओवरऑल बैटिंग भी देखने को मिली श्रीलंका की तरफ से, अर्जुन मैथ्यूज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, धनंजय अभी भी 94 रन में जो वो नॉट आउट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त हुई है, पाकिस्तान की फील्डिंग ज़बरदस्त हुई है, तो ओवरऑल मैच तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है, और अभी 4 दिन पड़े हैं, अगर तो इस मैच में बारिश ना हो तो ये मैच जो है वो आगे बहुत जाने वाला है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं फील्डिंग के उस पर जब आप पूरा उतरते हैं तो पूरी दुनिया की तारीफ करती है, और हर जगह उस कैच के चर्चे हो रहे हैं, और कैच वो था ही बड़ा ज़बरदस्त, और शहीन शाह अफरीदी के कमबैक के चर्चे हो रहे हैं पूरी पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया है, आज उन्होंने 100th विकेट लिया है, उस पर जो इंडियन मीडिया है वो काफ़ी हैरान है और काफ़ी जो है वो खुश भी है और थोड़ा सा जेलस भी है, लेकिन वो जो शहीन अफरीदी की जो विकेट्स हैं आपने देखिए आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की है, और 102 काफ़ी अर्से के बाद किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने 100+ विकेट्स लिए टेस्ट में, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और शहीन शाह अफरीदी के लिए। शहीन शाह अफरीदी हैं क्वालिटी बॉलर और वो हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को विकेट लेके दे रहे हैं, जब T20 की बात होती है तो वो जाने जाते हैं नंबर 1 ओवर में जो है वो विकेट लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ही वो विकेट लेके देते हैं अपनी टीम को, और टेस्ट में भी आज उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो स्टार्ट करके दिया, अगर शहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल लेते तो ज़बरदस्त होता और पाकिस्तान शायद जो है वो 3 ना हारता और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ना हारता, लेकिन इसी ग्राउंड में वो इंजर्ड हुए थे और इसी ग्राउंड में उनका कमबैक हुआ और शानदार कमबैक हुआ है, अभी भी श्रीलंका की 4 विकेटें बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि शहीन शाह अफरीदी अभी और भी विकेटें लेने वाली है, क्योंकि टेल स्टार्ट हो चुकी है तो या तो नसीम शाह विकेटें लेंगे या शहीन अफरीदी विकेट लेंगे, और जल्द से जल्द हमें श्रीलंका को आउट करना है और मैच में आना है वापस, और इसी तरह की फील्डिंग रिक्वायर्ड होगी जिस तरह की फील्डिंग इमामुल हक ने की है, इस तरह के जो हाफ चांसेस होते हैं उनको हमने फुल चांसेस में कन्वर्ट करना है ताकि ये जो मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के हक में फेवर आए, और पूरी दुनिया है जो तारीफ करे, अभी इंडिया जीता है तो इंडिया में जब इंडिया जीता है वेस्ट इंडीज़ से तो पाकिस्तानी मीडिया ने तारीफ़ की है, और जब पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो
इंडियन मीडिया ने जो है बहुत तारीफ की है। और दोनों ही परफॉर्मेंसेस आज जो हैं, एक तो वो ये दोनों हाइलाइट्स थी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मामू हक का वो कैच आज के दिन की हाइलाइट्स थी और शाहिनशाह अफरीदी का स्पेल। ओवरऑल धनंजय ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉजिटिव्स थे, और यही दो पॉजिटिव्स लेकर जो टीम है वो आगे जाके मैच में उतरेगी कल। तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को आपने करना है लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।